हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से मोगरा के प्लांट के बारे में बात करेंगे और उसकी केयर के बारे में। हमारा प्लांट एक ख़राब होता जा रहा था, तो सोचा कि लाओ आप लोगों से भी शेयर करें और कुछ ट्रीटमेंट करें उसकी। तो हमने ट्रीटमेंट की है, तो आप लोग भी देखें। और ये उससे पहले ये सुंदर सुंदर से फ्लावर और प्लांट्स देखिए, और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रहे हैं, जो इस टाइम के सीजनल प्लांट हैं। और ये बहुत ही हमारा बीमार सा हो गया है प्लांट, तो इससे भी मिलिए। यही है वो प्लांट मोगरा का, तो इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी। पिछले साल तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और इस बार भी कुछ हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन इसके पत्ते सारे बर्न होते जा रहे हैं और टहनियाँ भी सूखती जा रही हैं। तो इसके जितने भी इसमें वीट वगैरह और मोस्ट ऑफ परचुलका जो भी है वो निकाल देंगे। और इसकी मिट्टी देखिए, ये बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो गीली है, तो इसकी हम गुड़ाई कर लेंगे। और जिस पॉट में है वो पॉट बहुत बड़ा नहीं है, 10 इंच का है, तो इसकी मिट्टी बहुत ही गीली है, तो इसकी गुड़ाई करेंगे। और जो हम यूज करते हैं अपने सारे प्लांट को सही करने के लिए, बीमार प्लांट को, वही हम इसमें देंगे, ऑर्गेनिक, अपने किचन से ही। बहुत ही अच्छा काम करता है, जितने भी मरते हुए हमारे प्लांट होते हैं सभी में हम डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा वो काम करता है, ऑर्गेनिक है। और जो भी बीमार होते हैं प्लांट, उनमें अगर हम केमिकल देते हैं तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देखिए मिट्टी हमारी कितनी अच्छी वेल ड्रेन है, और इसमें देखिए केचुए भी छोटे छोटे से हैं, बहुत ढेर सारे हैं इसमें। जब हम गुड़ाई करने लगे तो हमें दिखे ये, तो सोचा कि बहुत अच्छे से देख के करें कि मरे ना ये। तो हमारी मिट्टी और प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये केचुए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यही है, हम अपने किचन से ही इनको सही करते हैं, इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये हल्दी है, सोडा है और काली मिर्च है, तो ये मरते हुए प्लांट को भी सही करने में बहुत मदद करते हैं। हम तो यही डालते हैं जब भी कोई प्लांट सही करना होता है, ट्रीटमेंट करते हैं तो यही डालते हैं, तो ज़्यादातर इसी से सही हो जाते हैं मेरे। अगर नहीं सही होते हैं तो फिर उनको निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उसको निकालने में ही भलाई है, टाइम वेस्ट करना बेकार है, फिर दूसरे प्लांट हम लगाते हैं निकाल के। तो ये हल्दी, सोडा और काली मिर्च हम डाल के और इसको मिला देंगे मिट्टी में। और ये और किसी चीज़ का प्लांट छोटा से है, तो हमको लग रहा है कि कोई अच्छा प्लांट है, तो उसको छोड़ दिया है, रहने दिया है। और ये पॉट जो है हमारा, एक बाकेट है 10 लीटर की, तो ये कुछ टूटी फूटी सी है, तो हम इसको देख रहे हैं कि कब तक चलेगा, तब तक चलेगा, फिर किसी दूसरे में रिपोर्ट कर देंगे, यही सोच रहे थे हम। लेकिन फिर आगे क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, ये टूटती ही जा रही है। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम ये कर रहे हैं, इसी बारिश में हम करते हैं अपने प्लांट्स के साथ। तो अच्छा मौसम रहता है तो प्लांट सूखने का डर नहीं होता है, रिपोर्ट करना हो या कटिंग करना हो या कुछ भी करना हो, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है। बस ये है कि गर्मी बहुत है तो गार्डन में काम कर नहीं पाते हैं, बहुत ही गर्मी लगती है जैसे ही कुछ करने लगो गार्डन में। तो ये कटर से हम कट करेंगे इसकी ख़राब पत्तियाँ टहनियाँ जो हैं इसको, तो कटर अच्छे से साफ़ करना है हमें किसी चीज़ से। तो स्प्रीड सबके घर में होती है, तो उसी से हम साफ़ करते हैं। तो ये टहनियाँ और पत्तियाँ जितनी भी ख़राब हैं इसको हम कट कर देंगे, ये सूखी सी हैं, बीमार सी। ये बड़ा सा प्लांट था, इससे पहले भी हमने कुछ कट कर दिया था, इसको फ्लावरिंग भी हुई है अब की बार भी। ज़्यादा गीली जब मिट्टी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, तब भी दिक्कत हो जाती है, फंगस जड़ों में लग जाती है, जड़ें ख़राब होने लगती हैं, इससे पत्तियां भी ख़राब होती है, पत्तियों पे भी, पूरे प्लांट पे भी असर पड़ता है, ग्रोथ पे असर पड़ता है। मिट्टी ज़्यादा नम रहती है जब, तो मिट्टी हमें वेल ड्रेन रखनी है, और मतलब जब मिट्टी एकदम सूख जाए तब पानी देना है। तो बस बारिश बहुत हुई है, मिट्टी गीली बनी रही है, इसी से ज़्यादा दिक्कत हो गई है शायद। जब ज़्यादा बारिश होती है या मिट्टी गीली रहती है तो जड़ें जो होती हैं, रूट होती है जो प्लांट की, तो सांस नहीं ले पाती है, इससे वो मरने लगते हैं प्लांट।
तो हम इसकी ट्रीटमेंट कर चुके थे, बस फंगीसाइड का छिड़काव ही करना था, स्प्रे करना था। फिर ये गमला हमारा इधर उधर करने में टूट गया ये पॉट, तो हम इसको फिर रिपोर्ट भी करना पड़ेगा हमको। तो ग्रो बैग है इस टाइम हमारे पास, तो उसी में हम कर देंगे रिपोर्ट इसको। तो देखिए फ्रेंड, जितनी भी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट हम नीचे भर के और ग्रो बैग में ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दिए थे, तो देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट बन गया है। और ये कंपोस्ट बहुत ही अच्छा है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे गार्डनिंग में बहुत मदद होती है। ऐसे ही हम बनाते हैं, नीचे सारा गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट भर देते हैं, लहसुन के, प्याज के छिलके, सब्जियों के, लौकी है, आलू है, कद्दू है, जो भी तोरई है, कितनी पालक वालक जो सर्दियों में आती है, सारा ऐसे ही फेंकते नहीं हैं, नीचे भर देते हैं, चाहे वो गमला हो चाहे ये ग्रो बैग। देखिए ऊपर से थोड़ी ही मिट्टी डाली थी और पूरा ऐसे कंपोस्टिंग हो गई है, कितनी अच्छी मिट्टी बन गई है। 2-3 महीना हुआ होगा और देखिए कितनी अच्छी कंपोस्ट तैयार है एकदम। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के इसको, बहुत जल्दी बन गई है ये वाली। हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही ग्रो बैग भर देते हैं। देखिए अभी नीचे चालू ही है काम इसका, सबसे नीचे, और ऊपर की सारी बन गई है, नीचे तक बन गई है, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नीचे, सबसे नीचे जो मोटी टहनियाँ होती हैं वो है। सारे पीपल के पत्ते इसी में हम ऐसे ही भर देते हैं नीचे। तो सब कंपोस्टिंग हो गई है, सब कंपोस्ट के रूप में तैयार है एकदम, काला सोना की तरह। तो प्लांट्स के लिए ये सबसे अच्छी खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सबसे अच्छा ये होता है। तो ऐसे ही आप लोग भी भरा करें अपना ग्रो बैग, जितना भी किचन वेस्ट है वो फेंके नहीं बाहर, और जितने भी गार्डन के लीव हैं, टहनियाँ हैं, जितने भी हम कट करते हैं, कटिंग करते हैं बारिशों में, सब ऐसे ही भर के नीचे और मिट्टी डाल दें, तो ऐसे ही खाद मिल जाती है फ्री में, आप लोगों को भी मिल सकती है। तो ये देखिए हम रिपोर्ट करेंगे इसको, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, काली है एकदम इसकी भी मिट्टी, तो इसको हम निकालेंगे। बहुत आसानी से निकल गया है क्योंकि पहले से ही ये टूटा हुआ था। हम सोच रहे थे इसी में ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद ये निकल गया, तो हमें निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट करना पड़ा, रिपोर्ट करना पड़ा। तो हमारी बेटी भी हेल्प कर रही है हमारा, बगैर किसी के हेल्प के कुछ नहीं हो पाता है। तो शाम का टाइम है, हम किचन में भी काम कर रहे थे और यहाँ भी आए तो काम बढ़ गया हमारा, तो इसको करने में, और गर्मी है इस टाइम तो बहुत दिक्कत होती है, जो भी करने लगो ये गार्डनिंग वाला काम तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसकी रूट देखिए, और ये जो हम कपड़ा लगाते हैं नीचे पॉट में ड्रेनेज होल के लिए, बहुत अच्छा होता है, कपड़ा ही हम लगाते हैं। तो देखिए इसकी रूट कितनी अच्छी है नीचे पे। तो इसको ये ग्रो बैग हम बनाते रहते हैं वेस्ट बोरियों से, तो फ्री में हमारा ग्रो बैग तैयार हो जाता है। पालक वगैरह सर्दियों में लगाने का बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हमने बना के रखे हैं कई ढेर सारे ग्रो बैग, तो उसी में हमको फिर करना पड़ा। और ये थोड़ा जाइम है, और ये थोड़ी सी DAP भी डाल देंगे, तो ये हम डाल देंगे, और ये गोबर की खाद थोड़ी, ये सब हमें डालना था तो गमला ही टूट गया, तो इसमें रिपोर्ट जब किया है उसके बाद ये भी डाल दिया है इसमें, गोबर की खाद सड़ी हुई रखी थी जो बहुत ही अच्छी डिकम्पोज, और ये जाइम है जो ऑर्गेनिक ही होती है, और उसमें DAP थोड़ी डाल दी है कि सोख ना लगे, जितने भी रूट हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो ये जो टुकड़े हैं उसको नीचे हम दबा देंगे मिट्टी में, और थोड़ी से NPK भी थी 19-19-19, उससे ग्रोथ अच्छी पकड़ लेगा, और DAP से भी अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेती है, रूट अच्छे से सेट हो जाती है, सर्वाइव करने लगती है। और फिर फंगीसाइड भी हम ओमीडा क्लोप्रीड का इसमें थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कीड़े अगर हैं या फंगस है या कोई भी है तो सही हो जाएगा, और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, तो इसका स्प्रे हम कर देंगे। बरसात में तो बहुत ज़रूरी होता है, जितने भी हमारे परमानेंट हैं या सीजनल प्लांट हैं, सारे प्लांट्स पे हमें ये स्प्रे करना चाहिए मीडा क्लोप्रीड का, या फिर फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड कोई भी हो कर सकते हैं हम लोग।